हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन स्टाइल ब्लॉग यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो फ्लिपकार्ट हॉल होने वाला है, और फ्लिपकार्ट हॉल में आज आपके साथ मैं फुटवेयर का हॉल करने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट वे में करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कोई भी फुटवेयर का हॉल नहीं किया है, और मैं जो है फर्स्ट टाइम आप लोग के साथ जो है फुटवेयर का हॉल करने वाली हूँ, रिव्यू करने वाली हूँ। और ये सभी जो है मैंने जो प्लेस की थी वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी फुटवेयर पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरा फर्स्ट सैंडल है वो इस तरह का सैंडल है, मैं इसका प्रोडक्ट इमेज साइड में शेयर कर लूंगी। ये जो सैंडल है वो 399 रुपीज का सैंडल है, और ये जो सैंडल है मुझे 3 से 4 डेज में रिसीव हो चुके थे। और यहाँ पे मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूं तो मुझे सेम एज इट इज सैंडल मिला है, कलर वाइज भी बिल्कुल सेम है। और जो है ये इसमें हील्स है, जो है हील्स मीडियम है, और यहाँ पे जो है इस तरह के ब्लॉक हील्स में है। तो मैं जो है अभी इस तरह के मैंने हील्स जो है मैंने ट्राई करने का सोचा था, और इस तरह का जो है पीछे से आपको कवर करने को मिलता है, और यहाँ पे जो है आपको फीता मिल जाता है जो आप अपने एंकल लेंथ की तरफ बांधते हो, और यहाँ पे जो है मतलब दोनों तरफ ही। तो मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो मुझे इतना क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं लगी, मुझे एवरेज लगी। और देख करके मुझे जितना अच्छा लग रहा था इमेज में उतनी अच्छी से मुझे रिसीव नहीं, मतलब उतना अच्छा मुझे क्वालिटी रिसीव नहीं हुआ है। और यहाँ पे पहनने के बाद थोड़ा सा ये स्लिपी सा है, जो है फिसलन सी है, मतलब इन सब पे तो मतलब गिरने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और यहाँ पे जो है आपको इसकी क्वालिटी मतलब एक से दो बार, तीसरी बार में आपका ये सैंडल जो है टूटने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मुझे मिली है। और देखने वाइज जैसे इमेज में दिख रही थी कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू बहुत अच्छे कर रहे थे, तो उस अकॉर्डिंगली मुझे बिल्कुल ही अच्छा लगा। ये 7 out of 10 है, और इसकी जो है यहाँ पे फीता भी टूट सकता है, इस तरह का आपको फीता मिलता है बिल्कुल प्लेन तरह का, और यहाँ पे जो आपको इसको लॉक करने को मिलता है, बाकी इसमें कोई भी ओपन मतलब कोई भी और तरीके से इसको लॉक करने का सिस्टम नहीं है। सैंडल को पहनने का लॉक इन द सेंस जो है इसको पहनने का और कोई तरीका नहीं है, जैसे अपने पैरों में जो है इसको बांध दो, इसके बाद आप इस सैंडल को पहन सकते हो, बट बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज्यादा स्लिपी है, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको पसंद आता है इनकेस तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, ये आपके ऊपर है आप इसको परचेज करना चाहते हैं या नहीं। सेकेंड परचेज जो है सैंडल में वो ये वाला सैंडल है, इसका इमेज मैं आपके साथ साइड में शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। मैं अगर इस सैंडल की बात करूं तो मुझे एज इट इज मुझे रिसीव हुआ है जैसे दिख रहा था, और कलर वाइज जो है ये थोड़ा सा फेड ग्रे कलर का है, ग्रे भी नहीं है, स्किनी कलर में है ये। और इसमें जो मेरा साइज है वो 39 साइज है, और यहाँ पे जो है उसमें भी मेरा 8 साइज था, और यहाँ पे जो है इस तरह का ब्लॉक बना हुआ हील है, यहाँ पे हील भी बहुत कम है, और इसको जो है आगे से आपको यहाँ पे कवर किया हुआ मिल जाता है सैंडल, और इसके बाद ऊपर से आपको जो है दो तरह की फीते मिलते हैं इस तरह के, दो एक पैरों के एक पैर के शू में आपको इस तरह का फीता मिल जाता है, दोनों लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। लुकिंग वाइज मैं बोलूँ तो एज इट इज मुझे सेम मिली है, कलर वाइज भी बहुत अच्छा है, बट मतलब लाइक ऐसा है कि इसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी इमेज में दिख रही थी। मुझे इससे थोड़ा सा जो है सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, मैं दोनों सैंडल से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हुई हूँ, बट इसमें जो है स्लिपी नहीं है, आप इजीली इसको पहन सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबल है, जितना वो पिछले वाला नहीं था, बट ये वाला थोड़ा कंफर्टेबल है। लुकिंग वाइज ओके है, अच्छा लग रहा है, बट उतना भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप इसको जो है ट्राई कर सकते हो एक बार, मतलब एक कैजुअली आप इसको ट्राई कर सकते हो। पार्टी वेयर के लिए मैंने इसको जो है पार्टी के लिए मैंने इसको ऑर्डर किया था, बट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इसकी जो मैं इसकी रेटिंग दूंगी वो 8 of 10 दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका जो प्राइस है वो अप्रोक्स 550 के आसपास है, मैं इमेज के साथ में इसका प्राइस शो कर दूंगी तो आप देख लेना। तो अगर आपको ये वाला सैंडल अच्छा लगता है तो आप इसको परचेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और इस तरह की एक और डिजाइन है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। वैसे सैंडल देखने में जो डिजाइन है वो बहुत अच्छा है, बट क्वालिटी इश्यू है, अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो मेरा जो नेक्स्ट परचेज है वो ये वाले शूज है, मुझे ये शूज बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसमें बहुत सारे कलर वैरायटी है, मैं इसका इमेज आप लोग साथ साइड में शेयर कर दूंगी। इसका प्राइस अप्रोक्स 350 to 400 के बीच में है, इसका प्राइस भी मैं आप लोग साथ शेयर कर दूंगी तो आप देख लीजिएगा।
तो ये वाला जो शूज है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, एग्जैक्टली क्वालिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा जो है ये मुड़ता नहीं है, बहुत हार्ड सा है, और इसकी जो मतलब लाइक इसका जो कलर है वो लाइट ग्रीन कलर है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे बट मुझे यार अच्छा लगा, ग्रीन और व्हाइट कलर के ऑप्शन में है, और बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ ये वाला शूज है। इसमें मेरा जो साइज है वो आई थिंक 41 लिखा हुआ है, बट मैं 8 करके मैंने मंगाया था। मैं आप लोगों के साथ वो साइज भी शेयर कर दूंगी, देख लेना। तो इस तरह का जो है साइड में यहाँ पे जो है ना फेदर बना हुआ है, और यहाँ पे ओवरऑल जो लेदर की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, और पहनने के मतलब ज्यादा गंदा नहीं होगा, इस तरह का मैंने माइंड में रखा था। और यहाँ पे जैसे मतलब लाइक डेली वेयर में मैं पहन सकती हूँ, और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी लुकिंग है, फिनिशिंग है। तो इसका जो अप्रोक्सिमेट की क्वालिटी का जो मतलब इसको रेटिंग दूंगी वो 9 out of 10 दूंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत जो है कसक है, थोड़ा सा सॉफ्ट वगैरह मतलब थोड़ा सा बेल्ट होना चाहिए था बट नहीं हो रहा, अदरवाइज बहुत ही अच्छा है। लुकिंग वाइज सेम एक्जेक्ट मुझे मिला है, कलर वाइज बिल्कुल सेम मिला है। इसकी जो रेटिंग हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये शूज मिला है। रेटिंग अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा है, रेटिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कलर आपके पास ऑप्शन है तो जो भी आपको पसंद आता है आप वो बाय कर सकते हो। ये था मेरा आज का फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो, बहुत ही ज्यादा छोटा सा मैंने हॉल वीडियो बनाया था, सोचा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए अपकमिंग नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोज के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।